आप सभी को जय हिंद। आज मेरा YouTube का वीडियो जो है इस टॉपिक पे कि जो छोटे बच्चे भर्ती देखने जाते हैं तो उनको साथ के मतलब साथ में जो बेसिक चीजें होती है जैसे स्पाइक हो गए, जूते हो गए, और कौन से शूज लेके जाने पड़ते, कौन सा आइटम लेके जाना पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप सभी का फौजी लक्ष्मण सिंह फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फौजी लक्ष्मण सिंह। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक YouTube फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी होती हुई जा रही है। ये YouTube चैनल मेरा, फौजी लक्ष्मण सिंह ना भवानी सिंह का, हम सब का है, जो हमसे जुड़े हुए हैं हम सब का ये YouTube चैनल है। और हमारा मकसद ये रहता है कि हम YouTube पे कुछ आपको नया बताते रहें। तो अभी छोटे बच्चों की काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम भर्तियों में जाते हैं तो सर हम बेसिक चीज़ें क्या लेके जाएँ। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट में बेसिक चीज़ ये बताऊँगा कि जितने भी बंदे एथलीट हैं 100 to 400 जो हेडल करते हैं और लॉन्ग जंप करते हैं, जेवलिंग, डिस्कस थ्रोवर, जितने भी बच्चे जो जाते हैं स्पोर्ट्स में, जो छोटे बच्चों की भर्ती देखने जाते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट में मैं ये बताऊंगा कि इस प्रकार है स्पाइक्स बोलते हैं जिनको, नॉर्मल शूज अलग हो गए, जो स्पाइक्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। आप देख लो, थोड़ा मोनी सिंह पास से दिखाओ, स्पाइक्स इस प्रकार होते हैं। इनके नीचे नील्स लगती है, सेंडर की नील्स है ये, जो हम सेंडर उसको बोलते हैं, जैसे हम जो कच्ची मिट्टी होती ना उस पे, और इसके इन्हीं स्पाइक्स के अंदर सिंथेटिक के लिए नील्स ये अलग आती है। तो इस प्रकार आपको हेल्थ के या किसी भी ब्रांड के 400 से 500 रुपए के शूज मिल जाते हैं। आप भर्ती में ये जूते जरूर लेके जाओ, इससे आपका ये है कि आप एथलीटिंग 100 to 100 का ट्रायल देते हो तो आप अच्छा दे पाओ, जेवलिन का अच्छा दे पाओ, हेडल का अच्छा दे पाओ इन शूज से, मतलब इनको आप इनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा रनिंग के अंदर। और हाँ, और कोई भाई बास्केटबॉल वगैरह की देने जाता ट्रायल तो उसको ये जो एंकल वाले शूज होते हैं, जो हम नॉर्मल शूज यूज करते हैं वो बास्केटबॉल में आपको यूज नहीं करने, जो ये एंकल वाले शूज होते हैं इस टाइप से, ये शूज आपको लेके जाने हैं। और जो भी भाई फुटबॉल के लिए जाता है, फुटबॉल के इस प्रकार के शूज आपको वहां पे लेके जाने हैं। लेकिन जो बच्चे एथलीट होते हैं उनको स्पाइक्स जरूर लेके जाने हैं, क्योंकि आपकी ट्रायल होती है, और आपको नॉर्मल शूज लेके जाना जिनमें उनकी जो फिजिकल की रिक्वायरमेंट है वो उनके उनके साथ उनके कहने पे आप कोचेस के फिजिकल कर सकते हो। और आपको किसी भी चीज की जरूरत है या किसी भी चीज के बारे में आपको पूछना है तो आप हम जो डिस्क्रिप्शन नंबर देते हैं उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आपका किट ले जाना बहुत ही जरूरी, किट से आपका पता चलता है कि आप किस स्पोर्ट्स को अच्छे से कर रहे हो, तो किट ले जाना बहुत जरूरी है, जो मैं किट आपको एक मिनट दिखाता हूँ। और जो भी भाई 100 to 400 हेडल्स की वगैरह की एथलीट की ट्रायल देता है उसको इस प्रकार की टाइटी पहननी चाहिए, टाइटी मार्केट के अंदर मिल जाती है, इस प्रकार की आपको टाइटी पहन और इस प्रकार आपकी ऊपर वाली सेंडो होनी चाहिए, इस प्रकार की हाफ सेल्फ की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जितनी भी चीजें आपको मैंने दिखाई है, ये जो मैंने चीजें यूज की है वो मैंने आपको बताई है। छोटे बच्चे जाते हैं अपनी किट जरूर लेके जाए, उनके माँ बाप वीडियो देखते हैं, ये किट वगैरह ले जाने से काफी अच्छा होता है। स्पाइक्स जरूर लेके जाने आपको, इससे आपकी रनिंग अच्छी होगी, और एक एथलीट इन्हीं चीजों को यूज करता है। और किसी भाई को कोई भी चीज खरीदनी है, कुछ पूछना है मेरे पास, तो हमसे आप पूछ सकते हो, राय ले सकते हो, फिर खरीद सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास वाले बेल आइकॉन मत दबाना। ओके, जय जय भारत।